दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हरियाणा विधानसभा के चुनाव तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और बमुश्किल एक सप्ताह अब चुनावों में बाकी बचा है। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि कांग्रेस की गुटबाजी का या शैलजा के अपमान वाला मुद्दा क्या शांत हो गया है, कांग्रेस हाईकमान ने वो मुद्दा सुलझा लिया है और जिस तरीके से कथित रूप से हुड्डा ग्रुप द्वारा कुमारी शैलजा का अपमान किया गया, उस पर पूरे हरियाणा का दलित समाज उबाल पर आ गया या शैलजा समर्थकों ने आसमान सिर पर उठा लिया कि हुड्डा गुट द्वारा शैलजा कुमारी शैलजा का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शैलजा समर्थकों का ये भी दावा रहा, उन्होंने ये भी सवाल उठाए कि हुड्डा अपने आप को हरियाणा प्रदेश मानते हैं, यानी हरियाणा में कांग्रेस मतलब हुड्डा, हुड्डा मतलब कांग्रेस, और वो अपने सिवा किसी को ना तो कांग्रेस में जमने देते हैं, ना टिकने देते हैं, ना उभरने देते हैं, और वो ऐसे हालात बना देते हैं कि एक एक करके हरियाणा कांग्रेस के कई कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए और कई लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि हुड्डा के कर्मों के कारण जो नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए, बड़ी तादाद में उनके समर्थक भी भाजपा में गए, इसी के चलते हरियाणा में 10 सालों में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसको भी 2 मिनट में परख लेते हैं। कुमारी शैलजा के समर्थक या जो हुड्डा के सताए हुए हैं उनका मानना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस में किसी भी कद्दावर नेता को टिकने नहीं देते। वो जिसको भी थोड़ा सा अपने लिए खतरा मानते हैं, जब तक उसको ठिकाने लगा नहीं देते वो शांति से बैठ नहीं पाते। मैं कुछ नाम भी इस मुद्दे में गिनाना चाहूँगा कि दोस्तों, कुलदीप बिश्नोई, चौधरी कुलदीप बिश्नोई पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे, ताकतवर कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के लिए कथित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको मजबूर किया। चौधरी बीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व मंत्री और सर छोटू राम के नाती बीरेंद्र सिंह का भी यही आरोप रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके रिश्तेदार होते हुए भी कभी उनको उनका हक नहीं मिलने दिया और उनके रास्ते में रोड़े अटकाए और उन्हीं कारणों के चलते उनको कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाना पड़ा, जहां उन्हें पूरा सम्मान मिला। वो केंद्रीय मंत्री भी बने, उनका बेटा भी सांसद बना। वो बात अलग है कि हालात बदले तो चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनका बेटा फिलहाल कांग्रेस में लौट आए और उनके परिवार को कांग्रेस हाईकमान ने टिकट भी दे दिया।
इससे आगे बढ़ते हैं, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अशोक तंवर और सिरसा के पूर्व सांसद अशोक तंवर का भी यही आरोप रहा है कि उन्होंने कई वर्षों तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए पार्टी के लिए अथक मेहनत की, नए यूथ को जोड़ा, बहुत लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ा, लेकिन उनका बढ़ता हुआ कद हुड्डा जी को पसंद नहीं आया और उन पर उन्होंने हमला करवाया, जिससे अपमानित होकर उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, किरण चौधरी हरियाणा की पूर्व मंत्री और श्रुति चौधरी भिवानी की पूर्व सांसद। किरण चौधरी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू और श्रुति चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती हैं। उन्होंने भी हुड्डा उनके बेटे पर गंभीर आरोप लगाए कि माँ बाप बेटे ही, बापू बेटे ही पूरी तरीके से कांग्रेस को कब्जे में लिए हुए हैं। हाईकमान भी बेबस होकर इन्हें देखता रहता है और जो भूपेंद्र हुड्डा के अलग एसआर के गुट था, हमारा गुट था, हमारे गुट को निरंतर हुड्डा ग्रुप ने परेशान किया, टिकने नहीं दिया, सम्मान लेने नहीं दिया, हमारे ग्रुप के लोगों के समर्थकों को उस गिनती में टिकट नहीं दिए जाते, देने दिए जाते जिससे कि उनका सम्मान हो, उनका भी रुतबा प्रदेश में या कांग्रेस में बढ़े और उनको एक तरीके से अपने अपने जिलों में सीमित कर दिया। इसीलिए किरण चौधरी और उनकी बेटी को भाजपा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाना पड़ा। तो ये मैंने आपको कारण बताए कुछ कि भाई ये जो आरोप जो लग रहे हैं क्यों लग रहे हैं। कुमारी शैलजा जो शायद मैं गलती नहीं कर रहा तो 5 बार तो सांसद रह चुकी हैं, उनके पिता केंद्रीय मंत्री भी थे, सांसद भी रहे, हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, केंद्र में मंत्री थे, शैलजा भी केंद्र में मंत्री रही हैं, 5 बार सांसद रही हैं, राज्यसभा सांसद रही हैं, कई प्रदेशों की प्रभारी रही हैं। उसके बावजूद हुड्डा और उनका गुट उनको हमेशा परेशान करता रहा है, उनके गुट को जो एसआरके के नाम से जाना जाता है, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, सुरजेवाला, कभी भी चैन से इन्होंने नहीं बैठने दिया। और अब भी जो 90 टिकट बटे उनमें से अधिकांश पर हुड्डा गुट ने कब्जा किया और जो दूसरे कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं उनको मुट्ठी भर ही, उनके समर्थकों को मुट्ठी भर ही टिकट मिल सके। इस तरीके की जो गतिविधियां हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, ये लगातार चल रही हैं। राव इंद्रजीत सिंह हो, जो अब केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा में शामिल होने के बाद, उनके भी आरोप कथित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही हैं कि उनकी जातियों के चलते हुए, उनके एकाधिकार के चलते हुए वो कांग्रेस को अपना मतलब निजी बपौती मानते हैं, उसके चलते उन्हें भी कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। मतलब यदि हम इस पर पूरा वीडियो कर दें तो एक लंबा वीडियो बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवारों से जुड़े नेता कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाने को मजबूर हुए हैं, उन्हें अपमानित किया गया है, उन पर हमले किए गए हैं, और जो अब नया मुद्दा था कुमारी शैलजा वाला, कथित रूप से ये भी आरोप हुड्डा ग्रुप पर है कि उनको जातीय आधार पर अपमानित कराया गया, चूंकि वो दलित नेता हैं।
हालांकि अब ऐसा लग रहा है, हाँ अभी पिछले दिनों क्या हुआ कि कुमारी शैलजा 10-15 दिन अपने घर ही बैठी रहीं और वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकली, लेकिन अब ऐसा कहा जाता है कि इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है और खड़गे जी से मुलाकात के बाद, राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद अब ये मामला सुलझ गया है और कुमारी शैलजा कुछ चुनाव प्रचार के लिए तैयार हो गई हैं। और जो राहुल गांधी की असंद में रैली हो रही है उसमें रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, वीरेंद्र सिंह, यानी सारे वो नेता जो कथित रूप से एसआर के गुट के या शैलजा गुट के या कह सकते हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के हैं, उन सबको समझा बुझा लिया गया है। चूंकि यदि इस तरीके की गतिविधियां रहीं तो जीतती हुई कांग्रेस को हरियाणा में हार का मुंह देखना पड़ सकता है, इसलिए सभी ने मिलकर कुमारी शैलजा को बुलाया है और 26 सितंबर को असंद में होने वाली राहुल गांधी की रैली में सब एक मंच पर सभी गुटों के नेता कांग्रेस के दिखाई देंगे। ये कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत है। मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहता हूँ अपनी वीडियो समाप्त करने से पहले कि इसी गुटबाजी के चलते ही पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का चुनाव नहीं हो चुका है, अन्य हल्का प्रभारियों का चुनाव नहीं हुआ है, सारे पद खाली पड़े हैं, पार्टी राम भरोसे चल रही है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस यदि जीतेगी तो भाजपा की गलतियों के कारण, भाजपा के एंटी इनकम्बेंसी के कारण जीतेगी। और जो हवा चल पड़ी है, जनता भाजपा के विरोध में आखड़ी हुई है, इसलिए उसकी मजबूरी है कांग्रेस को जिताना और वो कांग्रेस को जिताने के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस हाई कमान भी इस चीज़ को समझ रहा है और समय रहते उन्होंने कुमारी शैलजा को मना लिया है। असंद में वो एक मंच पर सारे नेता आ रहे हैं और इससे लगता है कि ये मामला सुलट गया है। उधर दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी एक सुखद बयान आया है। उन्होंने भी कहा कि उन पर ये लगाए जाने वाले सारे आरोप गलत हैं और यदि कांग्रेस जीतती है तो भाजपा विधायक किसको अपना नेता चुनते हैं या कांग्रेस हाईकमान जिसको चाहेगा उस पर हाथ रखेगा वही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, ये आरोप गलत है। मुझ पर गलत आरोप लगाया जा रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए उतावला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुमारी शैलजा मेरी छोटी बहन है और मैं उनको बड़े भाई की तरह ट्रीट करता हूँ, पूरा सम्मान देता हूँ, और ये तो जो बीच के लोग हैं वो हमारे बीच में खटास पैदा करते हैं या गुटबाजी पैदा करते हैं। जो और भी कांग्रेस नेता कांग्रेस छोड़ के गए हैं वो अपने निजी और स्वार्थ के कारण कांग्रेस को छोड़कर गए हैं। मुझ पे जो आरोप हैं निराधार हैं। मैं कुमारी शैलजा को बहुत पसंद करता हूँ, वो मेरी छोटी बहन है। अब कांग्रेस हाईकमान 5 तारीख को यदि कांग्रेस, यानी 8 तारीख को जब नतीजे निकलेंगे, यदि हरियाणा में कांग्रेस जीतती है तो ये तो हक बनता है कि कांग्रेस हाईकमान जिसको चाहे उसको सीएम बनाए या विधायकों का जिसके साथ बहुमत हो वो सीएम बने, और यदि हाईकमान कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाएगा तो हम कोई उसका विरोध नहीं करेंगे। तो इससे लगता है कि दोनों गुटों में सुलह हो गई है और कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार के लिए तैयार हो गई हैं। असंद में वो ये सब लोग एक मंच पर दिखाएगी देंगे, तो देखना है कि क्या समय के साथ कांग्रेस नेताओं को अकल आ गई है और वो जीती हुई बाजी को हारना नहीं चाहते, इसलिए वो अब फिर से एक बार
इकट्ठे हो गए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि चुनावों के बाद कांग्रेस संगठन के चुनाव भी तुरंत करा लिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि कुमारी शैलजा का मामला निपट गया है, और जो हुड्डा जी ने बयान दिया है कि हाईकमान जिसको सीएम बनाएगा वो हमें स्वीकार है। लगता है इस तरीके के बयानों से एक सुखद स्थिति कांग्रेस के लिए बन गई है, और जो हवा कांग्रेस के पक्ष में चल रही है तो हो सकता है वो आगे भी बढ़ती रहे और इस बार कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिल जाए। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।